है दोस्तों, ये गुटके के पाउच है, कहीं शराब भी आपको मिल ही जाएगी। ये देखिए यहाँ पर नमकीन है, ये दिखाइए, ये दिखाइए, ये मैं जरूर ढूंढता हूँ दोस्तों, कहीं ना कहीं मिल ही जाता है, ये कहीं ना कहीं मिल ही जाता है दोस्तों। ये बहुत सुरक्षित है, ये अस्पताल बहुत सुरक्षित है, ये अस्पताल बहुत सुरक्षित है देसी शराब पीने के लिए। ये देसी शराब पीने के लिए गाजीपुर में मैंने हॉस्पिटल देखा था दोस्तों, वहाँ मैक डावल पकड़ी थी, वहाँ मैक डावल की बोतल थी। यहाँ मैक डावल वाले नहीं आते हैं, यहाँ मैक डावल वाले नहीं आते हैं दोस्तों, यहाँ आते हैं देसी शराब पीने वाले। और ये देसी शराब जो है, ये 888 देसी शराब है, तीव्र मसालेदार, 200 ml की शराब है, 42.8 BV इसकी क्षमता है। और ये बंजी बबली लाइम गाजीपुर की फेमस शराब है दोस्तों। होता है कि कम से कम 40 से 50 पर्ची रोज कटना चाहिए, इलाज होना चाहिए। डॉक्टर किन परिस्थितियों में काम करता है इसके ऊपर किसी का ध्यान नहीं। दिखाइए दिखाइए, ये लाइट की व्यवस्था दिखाइए, ये लाइट की व्यवस्था है दोस्तों। मैं छू दूंगा तो मर जाऊंगा, मेरी फिल्म खत्म हो जाएगी मैं उसको छू दूंगा तो। ये सरकारी हॉस्पिटल है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। दोस्तों मैं कहाँ खड़ा हूँ इसको गेस करके बताइए कि मैं खड़ा कहाँ खड़ा हूँ दोस्तों। आज ये जो आपको स्थिति दिखाई दे रही है, ये जिस जंगलात में, जिस झाड़ झंखाड़ में मैं खड़ा हूँ दोस्तों, ये बहुत खूबसूरत जगह है। और इस खूबसूरत जगह को मैं आपको बहुत लंबे समय तक दिखाने वाला हूँ। एक एक चीज देखते जाइए मैं कितनी खूबसूरत जगह में खड़ा हुआ हूँ, आप भी देखिए। और योगी जी आप भी देख लीजिए कि मैं कितनी खूबसूरत जगह में खड़ा हुआ हूँ। ब्रजेश पाठक जी आप भी देख लीजिए, क्योंकि आप स्वास्थ्य मंत्री भी हैं उत्तर प्रदेश के, बहुत सारे मंत्री यहाँ पर आते हैं और जाते हैं दोस्तों। ये है बलिया जिले के नगरा का प्राथमिक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, ये देखिए दोस्तों सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है। और ये इसका मुख्य दरवाजा है, ये मेन गेट है। और इस मेन गेट पर किस व्यक्ति में इतनी ताकत है कि यहाँ से होकर के गुजर जाएगा, क्योंकि यहाँ से होकर के गुजरेंगे सांप गुजरेगा, बिच्छू गुजरेगा और विभिन्न प्रकार के जंगली जानवर गुजरेंगे दोस्तों। ये देख लीजिए, ये मुख्य द्वार है, ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नगरा का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है दोस्तों। यहाँ लोगों का इलाज किया जाता है, ये 30 बेड का हॉस्पिटल है। और इसकी स्थिति देखिए, करोड़ों रुपए, ये करोड़ों रुपए किसके हैं दोस्तों? ये करोड़ों रुपए हमारे हैं, हमने टैक्स दिया है तब जाकर के ये हॉस्पिटल बना है दोस्तों। ये करोड़ों रुपए का हॉस्पिटल हमारे अपने पैसे का है, आम जनता के पैसों का है। लेकिन इसकी स्थिति देखिए, यहाँ आने पे मरीज ऐसे ही मर जाएगा जब वो देखेगा कि यहाँ सांप है, यहाँ पर बिच्छू है, यहाँ पर दूसरा खतरनाक प्राणी हो सकता है, तो देखते से ही मर जाएगा, वो इलाज क्या करेगा। ये देखिए दोस्तों, ये नगरा नगर पंचायत का शानदार हॉस्पिटल है, जिसकी जितनी बड़ाई कर दी जाए उतनी कम है। स्वास्थ्य मंत्री जी नमन है आपको, बहुत बहुत धन्यवाद है आपको कि आपने कभी इस पर नजरें इनायत नहीं की। इसके पहले 1.5-2 साल पहले यहाँ पर अनिल राजभर जी आए थे दोस्तों, मैंने उनके मुंह में माइक डाल के पूछा था, सर अंधेरे में आप निरीक्षण कर रहे हैं इस हॉस्पिटल का, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया दोस्तों, गोलमोल जवाब दे दिया। बलिया के प्रभारी मंत्री रह चुके हैं, वो कुछ नहीं बोले वो इस बात पर। और ये देखिए, दिखाइए दिखाइए जरा, ये बिल्डिंग दिखाइए, यहाँ डॉक्टर मैडम बैठती हैं, इसकी खिड़की खुली हुई है, अभी यहाँ से कोई सांप गुजर जाए और सीधा डॉक्टर मैडम की टेबल पर पहुंच जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होगा दोस्तों। भैया गलत कह रहे हैं क्या? नहीं बिल्कुल सही कह रहे हैं, यहाँ से सांप बिच्छू जा सकता है कि नहीं जा सकता है? यहाँ आपकी डॉक्टर बैठती है ना रोज? जी जी। ये स्थिति है दोस्तों, देखिए योगी जी मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से दिखा रहा हूँ, देख लीजिए ब्रजेश पाठक जी, हम आपको रोज टीवी पर देखते हैं, आप रोज हॉस्पिटल चेक करते हैं, आपकी निगाहें बलिया पर नहीं पड़ती क्योंकि बलिया जो है वो पूर्वी छोर का आखिरी जिला है। ये देखिए ये ओपीडी है दोस्तों, ये ओपीडी दिखाइए जरा, ये ओपीडी दिखाइए और यहाँ की व्यवस्था दिखाइए, कितनी सुंदर व्यवस्था है दोस्तों। यहाँ पर ये लाइट का कनेक्शन है, जो कहीं भी लाइट नहीं, यहाँ कहीं पर भी लाइट नहीं है, सिर्फ खोखला डिब्बा बना हुआ है। और अंदर चलते हैं दोस्तों, दिखाते हैं आपको स्थिति को, ये देखिए ट्यूबलाइटें लगी हुई है दोस्तों और ये कभी जलती नहीं, इनमें कभी कोई करंट नहीं आता है, जब भी करंट आता है तो एक आध दो पंखे चलते होंगे तो चलते होंगे, बाकी कोई पंखा यहाँ चलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, इस समय भी लाइट नहीं है। यहाँ मरीजों की हल्की फुल्की भीड़ होती है, बड़े अधिकारियों का दबाव होता है कि कम से कम 40 से 50 पर्ची रोज कटना चाहिए, इलाज होना चाहिए। डॉक्टर किन परिस्थितियों में काम करता है इसके ऊपर किसी का ध्यान नहीं। दिखाइए दिखाइए, ये लाइट की व्यवस्था दिखाइए, ये लाइट की व्यवस्था है दोस्तों, मैं छू दूंगा तो मर जाऊंगा,
मेरी फीलिंग खत्म हो जाएगी, मैं उसको छू दूंगा तो। ये सरकारी हॉस्पिटल है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, ये बलिया जिले के नगरा नगर पालिका का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है। यहाँ पर इतने सारे लोगों की नियुक्ति है, नियुक्ति दिखा दीजिए, यहाँ इतने सारे लोगों की नियुक्ति है। यहाँ पर जो है डेंटल हाइजीनिस्ट के नाम से दो तीन पोस्ट के लोग हैं यहाँ पर, बाकी दो डॉक्टर हैं, इतनी सारी स्टाफ नर्सें हैं। इनके पास सबसे बड़ी दिक्कत यह है दोस्तों कि इनके पास कोई काम ही नहीं, और जिसके ऊपर काम है उसके ऊपर इतना काम है, उसको इतना मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है। यहाँ की एक डॉक्टर हैं, हम कोशिश करेंगे उनसे बातचीत करने की, लेकिन चूंकि वो व्यस्त है इसलिए हम उनको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। यहाँ एक डॉक्टर की नियुक्ति ऐसी है, आपको भीमपुरा में भी ड्यूटी करनी है, आपको नगरा में भी ड्यूटी करनी है, और हफ्ते में एक दिन जाके सीएमओ के यहाँ भी बैठना है, और यदि पुलिस थाने का कोई मेडिकल लीगो केस आता है उसको भी आपको देखना है, संडे को भी आपको छुट्टी नहीं करनी है। तो ये सारी दिक्कतें हैं दोस्तों। मोदी जी सॉरी जोगी जी, हम आपको बताते चलें कि ये जो आपका हॉस्पिटल है इसकी लागत करोड़ों रुपए है, और यहाँ देख लीजिए मशीनें लगी हुई हैं, सारे टेक्नीशियन मौजूद हैं, यहाँ पर पेशेंट नहीं है, यहाँ पर पेशेंट नहीं है, बिल्कुल दो चार लोग पेशेंट हैं, इनको दिखा दीजिए, ये दो चार लोग पेशेंट हैं, बाकी कोई पेशेंट नहीं है, बाकी तमाशबीन लोग हैं, और यहाँ पर भी कोई डॉक्टर बैठे हुए हैं, यहाँ पर नहीं कुछ स्टाफ बैठा हुआ, ये भी देख लेते हैं। ये गैस सिलेंडर है दोस्तों, इसकी जरूरत कभी बलिया में पड़ना ही नहीं है, ये बलिया वालों के पास वैसे ही गैस बहुत होती है, कोरोना इनको होना नहीं है। ये सारा पड़ा हुआ है, ये बेड की कंडीशन दिखाई दे रहा है, ये लग रहा है कि आजादी के पहले के बेड है दोस्तों, ये आजादी के पहले का बेड है, और यहाँ पर कोई मरीज नहीं, यहाँ पर छोटा छोटा ये दरवाजे भी खत्म, ये दरवाजे भी खत्म, ये खिड़की देखिए, इस खिड़की में कोई शीशा नहीं है, इसको बनाने में कितना बड़ा खेल हुआ होगा दोस्तों। इसको देखिए, ये तार दिखा दीजिए जरा, ये बिजली के तार देख लीजिए, ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्था है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्था देखिए, सब कुछ लगा हुआ है, लेकिन कितने टेम्परेरी तरीके से लगा हुआ है, और किस खतरनाक परिस्थिति में यहाँ पर कर्मचारी काम करते होंगे। ये दिखाइए ये तारों का जाल दिखा दीजिए, ये तारों का जाल है, यहाँ पर अंधेरा है, यहाँ पर कोई नहीं है, यहाँ पर लाखों रुपए कीमत का ये ट्रांसफार्मर है, ये ट्रांसफार्मर है दोस्तों लाखों रुपए कीमत का, ये कितने साल से बंद है, जनरेटर है दोस्तों, ये कितने साल से बंद है हमको खुद ही नहीं पता, हम खुद इस क्षेत्र के निवासी हैं दोस्तों, हमें नहीं पता कि 5-7 साल 10 साल पहले ये कब आया था, हम इसकी जानकारी लेने का प्रयास करेंगे, लेकिन आज तक इसका कोई उपयोग नहीं हुआ। यहाँ वैक्सीनेशन भी होता है, यहाँ पे वो सारे काम होते हैं जो सरकार आदेश करती है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ सुविधा नाम की कोई चीज नहीं है, सिर्फ और सिर्फ नियुक्ति कर दी जाती है, और यहाँ पे किसी तरीके के मरीज नहीं होते। आखिर क्या कारण है दोस्तों कि यहाँ मरीज नहीं होते, ये देखिए यहाँ के स्ट्रेचर जंग खा रहे हैं, किसी किसी जिले के अस्पताल में स्ट्रेचर नहीं है दोस्तों, और ये स्ट्रेचर यहाँ पर जंग खा रहे हैं। ये बेड देखिए, ये कुर्सियां देखिए, ये देख लीजिए, वो बाथरूम दिखा दीजिए जरा, बाथरूम बड़ा सुंदर है, कहीं गुटखा थूकने की जगह नहीं मिलती तो लोग यहाँ थूक लेते हैं। ये सरकारी अस्पताल है दोस्तों, क्या क्या दिखा दें हम आपको, परिस्थितियाँ क्या क्या है, यहाँ पर बोर्ड, यहाँ पर टूटे हुए सामान, यहाँ पर इतना अंधेरा है कि शायद मेरी शक्ल भी आपको दिखाई नहीं दे रही होगी। ये व्यवस्था है हमारे ब्रजेश पाठक जी, मैं आपको बताते चलूँ कि ये व्यवस्था है बलिया के उत्तर प्रदेश के नगरा नगर पंचायत के सबसे बड़े हॉस्पिटल की, जिसको सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कहा जाता है। यहाँ से दिखा दीजिए, ये दिखाइए यहाँ से इस जंगलों में से कौन हो करके यहाँ पर आएगा दोस्तों अपना इलाज कराने के लिए, उसको अपनी जिंदगी बचानी है कि मरना है। हाँ, मरने का शौक होगा तो यहाँ से जरूर आ जाएगा, क्योंकि बाकी किसी परिस्थिति में कोई आएगा नहीं। इसी नगरा में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में लोगों की भीड़ लगी हुई है, पीएचसी में लोग जाते हैं, सीएचसी में नहीं आते। सीएचसी में इसलिए नहीं आते दोस्तों क्योंकि यहाँ पर एक डॉक्टर के भरोसे, दो डॉक्टरों के भरोसे पूरा का पूरा सीएचसी जो है वो चल रहा है, दो डॉक्टरों के भरोसे सीएससी चल रहा है। किसी तरीके की महिला डॉक्टर यहाँ पर अतिरिक्त रूप में उपलब्ध नहीं है, यहाँ पर एकमात्र महिला डॉक्टर है। यदि बदकिस्मती से उसको किसी छुट्टी की जरूरत पड़ जाए, उसकी कभी तबीयत खराब हो जाए, तो यकीनन यहाँ पर महिला डॉक्टर नहीं मिलेगी, और पुलिस विभाग को भी मेडिको लीगल जो केस होते हैं उनको हैंडल करने में बहुत दिक्कत होगी। थोड़ा अनुमान लगाइए दोस्तों कि पूरे नगरा ब्लॉक में, इतने बड़े ब्लॉक में एक लेडी डॉक्टर है जो मेडिको लीगल केस देखती है। यदि किसी बच्ची के साथ बलात्कार की घटना होती है, यदि वो छुट्टी पर है, तो 3 दिन के बाद ये प्रूफ भी वो नहीं कर सकती कि उस लड़की के साथ बलात्कार हुआ है।
इसलिए नहीं कर सकती दोस्तों क्योंकि डॉक्टर 3 दिन के बाद मिलेगी, डॉक्टर 4 दिन के बाद मिलेगी, उसको भीमपुरा देखना है, उसको CMO का ऑफिस देखना है, यहाँ देखना है, अपना घर भी देखना है दोस्तों। ये कंडीशन है, थोड़ा सा बाहर से दिखाइए और हम आपको दिखाते चले दोस्तों कि हमारे पैसों की कितनी बर्बादी हमारे जिले में है। यहाँ का आवास हम आपको दिखाएंगे, यहाँ जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके लिए जो आवास बने हुए हैं, पहले तो आप हॉस्पिटल ही देख लीजिए उसके बाद आपको आवास दिखाते हैं। ये हॉस्पिटल है दोस्तों। यहाँ पर एक चीज और दिखाते चलें, ये देखिए 2021 में साफ सफाई अभियान इसका चलाया गया था 2021 में दोस्तों। इस पे लिखा है कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2021, कंट्रोल रूम का नंबर लिखा हुआ है, सफाई नायक का नाम लिखा हुआ है, उनका मोबाइल नंबर है, नगर पंचायत नगरा है दोस्तों। यहाँ का ईओ इतना बड़ा अंधा है, इसको दिखाई नहीं देता, यहाँ का ईओ इतना बड़ा बहरा है, इसको सुनाई नहीं देता, उसको नहीं दिखता है कि यहाँ सरकारी अस्पताल में जो जंगल उग रहा है। आइए दोस्तों हम आपको दिखाते हैं यहाँ के आवास, यहाँ के आवास यदि आप देखेंगे तो आपको डर लगेगा। ये पानी देख लीजिए, पानी दिखाइए जरा, ये पानी है दोस्तों, पेय जल की व्यवस्था है, यहाँ हमको पीने के लिए पानी की व्यवस्था नहीं है। ये आधे घंटे के बाद ये नल चालू हुआ है, हमने भाई से निवेदन किया तो ये आधे घंटे के बाद जो है वो चालू हुआ है, और वो कैसा पानी देता है आप खुद देख सकते हैं दोस्तों। आइए हम आपको आवास दिखा देते हैं, हाँ पीला पानी निकलेगा, मुझे मालूम है बलिया में जितने भी सरकारी हैंड पाइप हैं उनमें 90% पीला ही पानी निकलेगा, क्योंकि आर्सेनिक युक्त पानी है, उस पर किसी का ध्यान नहीं है। हम हाँ जा रहे हैं, पहले हम आवास देख लेते हैं, यहाँ कितने लोग रहते हैं, यहाँ भी देख लीजिए, हाँ देखा हुआ, वो पहले देखा हुआ, इसको अस्पताल इसमें यहाँ आवास दिखाते हैं दोस्तों आपको। यहाँ के जो यहाँ का जो अस्पताल है, यहाँ के सरकारी कर्मचारियों का आवास, यहाँ कोई नहीं रहता है दोस्तों, यहाँ पर रहते हैं चील कौए, यहाँ रहते हैं कबूतर, यहाँ रहते हैं सांप, यहाँ रहते हैं बिच्छू, यहाँ कोई आदमी नहीं रहता। आवासों की कंडीशन आप देखिए, ये दिखाते जाइए, रास्ता दिखाते जाइए, ये रास्ता है और इस रास्ते से होकर के एक सरकारी कर्मचारी दिन भर हॉस्पिटल में ड्यूटी करने के बाद अपने घर जाएगा, यहाँ रह पाएगा, कौन रह पाएगा दोस्तों। ये देख लीजिए ब्रजेश पाठक जी, ये आपके हॉस्पिटल की दशा है, ये दिखाइए दिखाइए, यहाँ पर कोई नहीं रहता, सारे शीशे टूटे हुए हैं, सारी सीढ़ियाँ गंदे हैं, सारे के सारे असामाजिक तत्व तो रोज शाम को यहाँ इकट्ठे होते हैं और इन्जॉय करते हैं दोस्तों। दिखा दीजिए, ये गुटका है दोस्तों, ये गुटके के पाउच है, कहीं शराब भी आपको मिल ही जाएगी। ये देखिए यहाँ पर नमकीन है, ये दिखाइए, ये मैं जरूर ढूंढता हूँ दोस्तों, कहीं ना कहीं मिल ही जाता है, ये कहीं ना कहीं मिल ही जाता है दोस्तों। ये बहुत सुरक्षित है, ये अस्पताल बहुत सुरक्षित है, ये अस्पताल बहुत सुरक्षित है देसी शराब पीने के लिए, ये देसी शराब पीने के लिए। गाजीपुर में मैंने हॉस्पिटल देखा था दोस्तों, वहाँ मैक डावल पकड़ी थी, वहाँ मैक डावल की बोतल थी, यहाँ मैक डावल वाले नहीं आते हैं, यहाँ मैक डावल वाले नहीं आते हैं दोस्तों, यहाँ आते हैं देसी शराब पीने वाले। और ये देसी शराब जो है, ये 888 देसी शराब है, तीव्र मसालेदार 200 ml की शराब है, 42.8 BV इसकी क्षमता है, और ये बंजी बबली लाइम गाजीपुर की फेमस शराब है दोस्तों। ये यहाँ हॉस्पिटल में आराम से पीने के लिए, ये सुविधाजनक जगह है, आराम से आइए, शराब पीजिए, नमकीन खाइए, सिगरेट पीजिए, तंबाकू खाइए, आराम से चले जाइए, कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई पुलिस वाला यहाँ नहीं आता, किसी तरीके का कोई सरकारी कर्मचारी नहीं है जो आपको मना कर सके। आपको भी कभी नगरा में शराब पीने की ज़रूरत हो दोस्तों, आ जाइएगा सरकारी अस्पताल, सरकारी अस्पताल आकर के आराम से पीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, बारिश में भी दिक्कत नहीं होगी दोस्तों। क्या क्या दिखाएं हम आपको, देख लीजिए हमारे चैनल के माध्यम से देखिए सरकारी अस्पतालों की दशा क्या है दोस्तों। बहुत सारे लोगों की भीड़ है, लेकिन लोग कुछ नहीं कहेंगे, इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि उनको प्राइवेट डॉक्टरों के पास जाने की आदत पड़ गई है। सरकारी अस्पतालों में किस तरीके का इलाज होता है, किन परिस्थितियों में डॉक्टर काम करते हैं, ये सारी चीज़ें नहीं दिखती। चूँकि अस्पताल का समय है, इसलिए हम किसी सरकारी कर्मचारी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते दोस्तों। हम इसका एक और वीडियो बहुत जल्दी आपके सामने लाएंगे, दूसरी समस्याएं आपको दिखाएंगे दोस्तों। मैं हूं हरिओम श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल यूनिक न्यूज़ 1। बहुत बहुत धन्यवाद।